अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कौंसलेट ऑफ लिबरलैंड में और यहाँ पर हम बात करेंगे पाकिस्तान में जो लिबरलैंड के एम्बेसडर हैं उनसे। हम मौजूद हैं कौंसलेट ऑफ लिबरलैंड में और हमारे साथ मौजूद हैं लिबरलैंड के एम्बेसडर फैसल भट्ट। हम उनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे लिबरलैंड के हवाले से और लिबरलैंड ने जो नई इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज अडॉप्ट की हैं और उसके क्या बेनिफिट्स होंगे वर्ल्ड वाइड और पाकिस्तानी सिटीज़न को। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सर, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि जो हमारे देखने वाले हैं उनको आप ये बताएं कि लिबरलैंड जो है वो दूसरे मुल्कों से क्या डिफरेंट है लेके आ रहा है। एज अ कंट्री जब दुनिया के मैप के ऊपर ये अपीयर हो रहा है तो वो क्या चेंज जो है वो आप लेके आएंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर विजिटिंग द कंसुलेट। लिबरलैंड इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन व्हाट वे? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन एंड इट्स क्वाइट कॉम्प्रिहेंसिव। लिबरलैंड जैसे आपको काफ़ी इस चीज़ की आगाही है कि इज़ वन ऑफ द कंट्रीज़ दैट्स पायनियर इन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इज़ समथिंग विच इज़ स्टोर्ड राइट फ्रॉम द ग्रास रूट लेवल टू द अपर लेवल एंड इट्स अनबायस्ड और आप थॉरली उसको देख सकते हैं कि उसके अंदर कोई ऑल्ट्रेशन नहीं हुई डेटा बेस की स्टोरेज के अंदर। दैट इज़ समथिंग लिबरलैंड इज़ पायनियर इन। उसके अलावा मेटावर्स, व्हेन वी टॉक अबाउट मेटावर्स द वर्ल्ड इज शिफ्टिंग फ्रॉम द रियल वर्ल्ड टू द वर्चुअल वर्ल्ड। व्हेन वी टॉक अबाउट मेटावर्स, मेटावर्स के अंदर एज यू नो एवी एंड वीआर, दीज आर द टू एस्पेक्ट्स और इन दोनों के अंदर लिबरलैंड का काफ़ी होल्ड है। एंड हैविंग टॉक्ड अबाउट मेटावर्स, लिबरलैंड इज द फर्स्ट कंट्री टू बी बिल्ट इन मेटावर्स और लिबरलैंड ओन्स क्वाइट अ फ्यू पार्ट ऑफ मेटावर्स। इसके अलावा लिबरलैंड इज़ द कंट्री अराउंड द वर्ल्ड के जो फर्स्ट 5 कंट्रीज थी दुनिया में बिटकॉइन को एज एन ऑफिशियल पोर्टल एक्सेप्ट करने के लिए। वी वेयर वन ऑफ दोज एंड अपार्ट फ्रॉम दैट लिबरलैंड हैज़ गॉट रिप्रेजेंटेशंस इन 105 कंट्रीज। वी हैव गॉट आवर मार्केट प्लेस, वी हैव गॉट आवर वर्चुअल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जहाँ से आप यू कैन रजिस्टर योरसेल्फ थ्रू ई रेसिडेंसी, ओपन अप योर कंपनी इन लिबरलैंड and start trading virtually and sky is the limit if you work hard towards it. As you said ke aap jo hai e-governance aur e-trade aur metaverse ke through jo hai trade ki opportunities de rahe hain to jo pakistani jo hain jinko metaverse wagera jo hai uska nahi pata aur virtual reality ke bare mein bhi nahi pata, kya aap koi aisa platform muhaiya kar rahe hain ki jo investors aapke sath jo hai wo trade karna cha rahe hain dusre mumalik ke unko ek know how di jaye aur is tarah ke courses jo hain offer kiye jaye? Nahi dekhen ji, ye ek aisi cheez hai, it's quite sensitive when we talk about money, so we would only love people who have background knowledge or hands on experience with it. अब एक बंदा या एक लेमैन जिसको पता ही नहीं कि मेटावर्स क्या है या वर्चुअल ट्रेडिंग क्या है और वो ही इन्वेस्ट मनी इन दैट और वो बंदा ऑब्वियसली ही डजंट नो हाउ टू यू नो यूज़ इट और वर्क इट, इवेंचुअली वो लॉस ही इंकर करेगा। और जब वो लॉस इंकर करेगा लाइक द वे पाकिस्तानीज आर, उन्होंने लिबरलैंड तो है ही फ्रॉड। सो वी वॉन्ट टू स्टे अवे फ्रॉम दिस काइंड ऑफ पीपल। वी ओनली वॉन्ट पीपल जो एक्सपीरियंसड हैं, जिनको पता है एग्जैक्टली व्हाट दे आर डूइंग। सो दोज काइंड ऑफ पीपल आर मोर देन वेलकम टू यूज लिबरलैंड। टेक्नोलॉजी के अंदर जो है आप अभी तक क्या मुतारफ करवा चुके हैं ट्रेड के अंदर आपकी जो है वो क्या लिबरलैंड जो है वो अभी तक जो है वो कर चुका है और क्या आपके आगे तक प्लान्स हैं, जैसे विजन 2050 है इस तरह से आप कहाँ तक इसको देखते हैं कि 2050 में लिबरलैंड जो है वो कहाँ पर खड़ा होगा? देखें, इनिशियली 2015 में वी स्टार्टेड ऑफ विद द चैम्बर ऑफ कॉमर्स and slowly and gradually as the time progressed or metaverse introduced ho gaya, we want to shift the trading from the physical world to the virtual world. ab uske liye hum logon ne at present kiya kya hai ki humne apni metaverse ke andar bhi marketplace build kar rahe hain, it's ongoing, abhi tak bani nahi, hopefully within the next few months wo jab ban jayegi to we would be the first country offering virtual trading in metaverse. lekin there's a difference. नॉर्मल वर्चुअल ट्रेडिंग तो वो तो आप बिटकॉइन से भी अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं दैट्स कॉल्ड वर्चुअल ट्रेडिंग, बट ट्रेडिंग इन मेटावर्स दिस इज समथिंग व्हिच पीपल, मेटावर्स इज द फ्यूचर कहा जा रहा है। एग्जैक्टली जी, एंड ट्रेडिंग इन मेटावर्स इज समथिंग व्हिच इज रियली, आप ये समझ रहे हैं कि
आपकी कंट्री ने वो स्टेप ले लिया है कि जहाँ पे बहुत सारे कंट्रीज़ अभी तक जो है वो सोच रहे हैं या प्लान कर रहे हैं, लेकिन आप प्रैक्टिकली जो है वो वर्चुअल ट्रेडिंग और मेटावर्स के अंदर जा चुके हैं। देखें, इशू क्या है? इशू ये कि वी ओनली गॉट 7 किलोमीटर स्क्वायर। अब हम वो इम्पैक्ट 7 किलोमीटर स्क्वायर से कंपीटिंग विद द अदर 205 कंट्रीज़, हम वो 7 किलोमीटर स्क्वायर से शायद वो इम्पैक्ट क्रिएट ना कर सकें। हमारे पास उसका ऑल्टरनेट क्या है? मेटावर्स। सो वी वॉन्ट टू क्रिएट दैट इम्पैक्ट थ्रू मेटावर्स। There is a way to rule the world. 7 kilometers cannot make you rule the world, but metaverse can. Metaverse can. और इसके साथ मुझे ये भी बताइएगा कि education के अंदर जो है liberal land की क्या खिदमात हैं आगे आप, ताकि educate करें पूरी दुनिया को, और क्या vision है इस हवाले से? देखें, 2015 से हमारी University of Liberal Land, it's a virtual university which has been ongoing, और about more than 75 countries के अंदर हमारी enrollments हैं। रिसेंटली हमने पाकिस्तान के अंदर कुछ स्कॉलरशिप्स अनाउंस किए हैं, वो इस तरह के जितने हमारे एडमिशन्स पाकिस्तान से होंगे उसका 50% विल गिव बैक टू द स्टूडेंट्स ऑफ पाकिस्तान एज फुल स्कॉलरशिप। तो वो स्टूडेंट्स जो उसके लिए क्वालिफाई करेंगे, दे विल हैव अ फॉरेन डिग्री सिटिंग इन पाकिस्तान एंड फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर कोई पाकिस्तानी शहरी लिबरल लैंड में कंपनी रजिस्टर करवा के ट्रेड करना चाह रहा है, या फिर बैंक अकाउंट खोलना चाह रहा है, या आपकी ई रेजिडेंसी लेना चाह रहा है, तो उसका क्या प्रोसेस? इट्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। आप लिबरल लैंड की जो वेबसाइट है www.liberalland.org, उसके ऊपर जाएंगे, यू विल रजिस्टर योर सेल्फ। फिर उसके बाद जब आप रजिस्टर कर लेंगे, देर इज़ अ थिंग कॉल्ड KYC। KYC एक दुनिया में यूज़ होता है, दैट्स नोन एज नो योर कस्टमर। सो दैट्स लाइक एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रेगुलेशंस उसके अंदर जो है वो क्लियर करते हैं, और एंटी स्मगलिंग एंड एंटी इंटरपोल, देयर फ्यू चेक्स दैट आर डन थ्रू KYC। जब वो चेक्स क्लियर हो जाते हैं, उसके बाद आया ई रेसिडेंसी कार्ड इज इशू टू यू, उसके ऊपर एक यूनिक नंबर होता है, उस यूनिक नंबर से आप अपनी कंपनी रजिस्टर कर सकते हैं लिबरल लैंड में। यू कैन ओपन अप अ बैंक अकाउंट एंड इवेंचुअली स्टार्ट ट्रेडिंग इन लिबरल लैंड। तो कंपनी रजिस्टर करवाने वगैरह की कॉस्ट अभी आपने कोई डिसाइड की है या फिर इट्स फ्री? नहीं, वंस यू आर यू गॉट ई रेसिडेंसी, उसके बाद देर आर डिफरेंट कंपनीज, इट कुड बी अ लिमिटेड कंपनी, इट कुड बी अ सोल ट्रेडर, इट कुड बी अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, और इट कुड बी अ इन्वेस्टमेंट बेस्ड कंपनी। तो उसके डिपेंड्स व्हाट इज़ द साइज ऑफ योर कंपनी, उसी तरह ही उसके चार्जेस हैं, बट दे आर वेरी मिनिमल, बिकॉज वी वुड लव टू हैव पीपल ऑन बोर्ड एंड स्टार्ट यूजिंग लिबरल लैंड्स प्लेटफॉर्म टू अर्न मनी रादर देन यू नो इम्प्लीमेंटिंग हैवी फीसेस ऑन देम एंड डिस्करेजिंग देम। तो आपकी जो लिबरल लैंड की करेंसी है वो ब्लॉकचेन के ऊपर ही एग्जिस्ट करेगी? ब्लॉकचेन के ऊपर भी है, और फिज़िकल जो लीगल टेंडर होता है उसको फिज़िकल लीगल टेंडर कहते हैं। वो भी हमने इनिशियली सिर्फ 100 इशू किए हैं, और दैट इज़ जस्ट टू सी हाउ थिंग गोज, क्योंकि अभी फिज़िकल ट्रेडिंग नहीं शुरू हुई वहाँ पे, डे टू डे बाइंग एंड सेलिंग शुरू नहीं हुई, तो इसलिए हमने लीगल टेंडर अभी तक टू द पब्लिक, ओपन टू द पब्लिक इशू नहीं किए, एंड वी आर जस्ट ट्रेडिंग ऑन बिटकॉइन। आज बिल्कुल हमारे साथ एम्बेसडर ऑफ लिबरल लैंड इन पाकिस्तान फैसल भट्ट मौजूद थे। सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें उन्होंने की टेक्नोलॉजी के हवाले से, मेटावर्स के हवाले से। ये दुनिया का वाहद मुल्क है जो कि वर्चुअली जो है वो अपना तमाम तर जो ई गवर्नेंस है वो कर रहा है, और इसके साथ साथ ट्रेड जो है वो भी वर्चुअली स्टार्ट कर रहा है। इसके साथ आप कंपनी खरीद सकते हैं, यूरोपियन बॉर्डर्स तक एक्सेस कर सकते हैं, वहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं, और घर बैठे पैसे कमा सकते हैं अपने स्किल्स की बेस पर। और इसमें आप इन्वेस्ट करके पैसे कमाने के लिए, अर्निंग अपनी करने के लिए, या फिर इल्म हासिल करने के लिए उनकी जो यूनिवर्सिटी है लिबरल लैंड की, वहाँ में एडमिशन ले सकते हैं। ये सब कुछ आप तब ही कर सकते हैं जब मेटावर्स और जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं दुनिया में उनका नॉलेज हासिल करें और स्किल लें। आपका बहुत शुक्रिया।